पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कथा व्यास श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि जब भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में राजा दक्ष ने इनकार कर दिया था, लेकिन जब ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया कि शादी कर दी जाए तो राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ किया था। श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देवों की उपासना करना भी बहुत आवश्यक है और इसीलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जब यज्ञ होता है तब हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उन सभी देवों की उपासना करते हैं और उन्हीं देवों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। यही वजह है कि देवों के द्वारा फल आपको भी उसके स्वरूप ही मिलता है। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी मनुष्य में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य में जागृति नहीं होगी कुछ पाने की, तब तक उसे ज्ञान का अर्थ भी नहीं मालूम होगा। कथा व्यास रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि आज के वक्त के अनुसार श्रोताओं को आनंदित करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी के साथ एक बार जब माँ पार्वती ने परीक्षा लेनी चाहिए और सीता माँ का रूप धारण कर लिया था, उसके बाद भगवान राम ने सती माँ को पहचान लिया और उन्हें हाथ जोड़कर अपना परिचय देकर प्रणाम किया। ये देख माँ पार्वती अचंभित हो गई और तब भगवान श्री राम ने पूछा कि मेरे भगवान शंकर कहाँ है। ये देख उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और वो सीधे भगवान शंकर के पास आ गई। इस दौरान सुंदर भजनों का भी गायन हुआ, जिन पर सभी श्रोतागण भक्ति रस में तल्लीन नजर आए। विधि, आरण्यक, उपनिषद, ये तीनों ब्रह्म में कहां जा है उसमें विधि, आरण्यक, उपनिषद ये तीन विभाग है। विधि का संबंध कर्म से, आरण्यक का उपासना से और उपनिषद का ज्ञान से। कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी एंड साइंस फैकल्टी। भगवत गीता में भी 6 अध्याय में कर्म, 6 अध्याय में भक्ति, 6 अध्याय में ज्ञान की चर्चा है। कर्म, भक्ति, ज्ञान। फिर से कहूं, ये केवल धार्मिक रिचुअल्स की बात नहीं है। बहनों, माताओं, आपको भी ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों की जरूरत पड़ती है। आपको समझाऊं, रसोई बनाती हो वो हुआ कर्म। कौन सी रसोई कैसे बनाना पकाना चाहिए उसका तुम्हें ज्ञान होता है। और पति के प्रति प्रेम के चलते, बच्चों के प्रति प्रेम के चलते जो पकाती हो वो हो गई भक्ति। तब फिर उस खाना खाने में मातृहस्तेन भोजनम, वो प्रेम। चलो कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, वहां जो आने वाले हैं ना तो उसके बच्चे हैं, ना तो पति है, ना तो कोई सगे संबंधी है, कस्टमर है रेस्टोरेंट में आने वाले। लेकिन मेरे यहां रेस्टोरेंट में आकर के खाना खाने वाला हर आदमी संतुष्ट और तृप्त होकर के जाना चाहिए, आशीर्वाद देकर के जाना चाहिए। मैंने ऐसे भी रेस्टोरेंट वालों को देखा कि आग्रह पूर्वक, अरे लीजिए, खाइए, पाइए, कम से कम खाए, ऐसी इच्छा रखने वाला रेस्टोरेंट चलाने वाला, उसमें भक्ति नहीं है। इसलिए जो कमाएगा वो प्रभु प्रसाद भी नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।